क्या किया, ये जो भारत पेट्रोलियम नाम का पेट्रोल पंप आपके ग्राउंड के पीछे है, इस कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी को, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, मैंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में मैंने उसको एक प्रश्न किया कि भारत पेट्रोलियम नाम की कंपनी में एक लीटर पेट्रोल कितने रुपए में बनता है और इस पर कितने रुपए टैक्स लगता है। तो मेरे पत्र का उसने जवाब दिया कि मैं आपको यह जानकारी नहीं दे सकता। मैंने पूछा क्यों नहीं दे सकते, तो कहते हैं ये बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील जानकारी है। तो मैंने कहा इसमें संवेदनशीलता क्या है, मैं भारत का नागरिक हूं और जानना चाहता हूं कि एक लीटर पेट्रोल कितने रुपए में बनता है और कितना रुपए उस पर टैक्स लगता है, इसमें आप क्यों मुझसे छुपाना चाहते हैं जानकारी को। कहने लगे ये जानकारी इतनी खतरनाक है कि गांव गांव वालों को पता चल गई तो ये सरकार नहीं चल पाएगी इस देश। तो मैंने कहा ना चले सरकार, इससे मेरा क्या लेना देना, मुझे ये जानकारी चाहिए। तो पहले उसने मना कर दिया, फिर मैंने उससे कहा कि आपको मालूम है भारत में एक कानून बना है जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अगर मैंने इस कानून का पालन किया तो आपकी नौकरी चली जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आपके बीवी बच्चे भूखे मरे, इसलिए अब चुपचाप ये जानकारी दे दीजिए, क्योंकि आप अगर मना करेंगे ये जानकारी के लिए और मैं हाई कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट आपको मजबूर कर देगा वो जानकारी देने के लिए, इसलिए अब आप इसको छुपा नहीं सकते, दे दीजिए चुपचाप। तब उसने जानकारी दिया और उसने बताया कि एक लीटर पेट्रोल हमारे भारत पेट्रोलियम कंपनी में 8 रुपए में बनता है। मैंने उससे फिर एक पत्र लिखकर पूछा कि ये 8 रुपए का ब्रेकअप बताओ मुझे, ब्रेकअप। ब्रेकअप का माने कि वास्तव में ये कहां कहां 8 रुपए खर्च होता है, कैसे खर्च होता है, ये मुझे समझाओ। तब उसने पूरा डिटेल मुझे भेजा। उसने कहा कि देखिए जी, पेट्रोल बनाने के लिए कच्चा तेल निकालते हैं हम जमीन के नीचे से, और कच्चा तेल निकालते हैं समुद्र में से। तो जमीन के नीचे से जितना भी कच्चा तेल निकलता है, समुद्र में से जितना कच्चा तेल निकलता है, वो सब फोकट का होता है, उसको कोई पैसा हम नहीं देते, क्योंकि भारतीय भूमि से निकाला हुआ है, भारत के समुद्र से निकाला हुआ है, तो वो पैसा तो उसको देना नहीं पड़ता। निकालने में मशीन लगती है और मशीन चलाने के लिए बिजली खर्च होती है, तो अगर 1 लीटर कच्चा तेल हम जमीन से निकालें तो उसमें जो बिजली का खर्चा है वो लगभग 40 पैसे आता है। 1 लीटर कच्चा तेल जमीन से निकालो तो बिजली खर्च होती है 40 पैसे की, 1 लीटर कच्चा तेल समुद्र से निकालो तो बिजली खर्च होती है 70 पैसे की। समुद्र में गहराई ज्यादा होती है, जमीन में गहराई कम होती है, ज्यादा गहराई से कोई चीज निकालेंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा, कम गहराई से निकालेंगे खर्चा कम आएगा। तो उसने बता दिया कि 70 से 80 पैसे खर्च आता है बिजली का। फिर मैंने कहा आगे खर्च बताओ, तो आगे का खर्च ये है कि ये जो 1 लीटर कच्चा तेल हमने निकाला, इसको हम संशोधन करते हैं, अंग्रेजी में उसको प्रोसेसिंग कहते हैं, तो शोधन करते हैं उसमें कितना लीटर निकलता है पेट्रोल। तो उसने कहा कि जब 1 लीटर कच्चे तेल को शोधन करते हैं तो 250 मिलीलीटर पेट्रोल उसमें से निकल आता है, बाकी क्या हुआ 750 मिलीलीटर का। तो उसने कहा कि बाकी का थोड़ा डीजल निकलता है, थोड़ा केरोसिन निकलता है, थोड़ा वैक्स निकलता है और ऐसी 50 एक चीजें उसमें से निकलती है। तो मैंने कहा इसका मतलब यह है कि 4 लीटर कच्चा तेल अगर हम शोधन करें तो 1 लीटर पेट्रोल बनेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो अब उसका हिसाब मैंने जोड़ा कि 70 पैसे लीटर का अगर खर्च माने तो 2 रुपए 80 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल बन जाएगा। अब उस 1 लीटर पेट्रोल पर भारत पेट्रोलियम कंपनी अपना मुनाफा लगाती है, तो उनका कहना है कि हमको मिनिमम 15 से 20% नेट प्रॉफिट चाहिए, तो वो जोड़ दिया। फिर वो कहते हैं हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस इसमें चाहिए, वो भी मैंने जोड़ दिए। फिर वो कहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल को हम जहां बनाते हैं और गांव-गांव में ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें 1 रुपए खर्च आता है, वो भी जोड़ दिया। तो कुल सारा जोड़ करने के बाद खर्च आता है 8 रुपए लीटर। अर्थात भारत की सबसे बड़ी पेट्रोल बनाने वाली कंपनी भारत पेट्रोलियम में 1 लीटर पेट्रोल बनाने का खर्चा है 8 रुपया। तब मैंने उस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पूछा कि भाई अब मुझे ये समझाओ कि ये 8 रुपए लीटर में जो पेट्रोल बना वो 50 रुपए लीटर क्यों बिकता है। तो उसने कहा साहब ये बात आप वित्त मंत्री से पूछिए। मैंने पूछा क्यों,
तो उसने कहा कि वित्त मंत्रालय इस 8 रुपए लीटर के पेट्रोल पर 42 रुपए लीटर का टैक्स लगाता है। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल पर 42 रुपए लीटर का टैक्स तो कितने प्रतिशत हुआ, हिसाब से जोड़ो जरा। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल पर अगर 8 रुपए टैक्स लगाया जाए तो भाव हो जाएगा 16 रुपए लीटर, तो टैक्स हो गया 100%। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल को अगर 24 रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया 200%। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल को अगर 32 रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया 300%। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल को 40 रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया 400%। और 8 रुपए लीटर के पेट्रोल को 48 रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया 500%। अर्थात जब आप इस भारत पेट्रोलियम के पंप में जाकर 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो 42 रुपए आप टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं और वो टैक्स होता है 500%। भारत के नागरिक एक दिन में 300 करोड़ लीटर डीजल और पेट्रोल खर्च करते हैं एक दिन में, और 1 लीटर पे 42 रुपए टैक्स देते हैं तो 300 करोड़ लीटर पर, 300 करोड़ में 42 का गुणा करो, लगभग 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए हर दिन हम डीजल में पेट्रोल में टैक्स का दे रहे हैं। अब एक दिन में 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो एक साल में कितना हुआ, तो 365 का गुणा कर लो 13,000 करोड़। इतना टैक्स हम भर रहे हैं कि वो कैलकुलेटर में नहीं समाएगा, कैलकुलेटर फेल हो जाए। और ये तो मैंने कहानी सुनाई सिर्फ डीजल और पेट्रोल की। पेट्रोल की कहानी है 42 रुपए लीटर टैक्स भर रहे हैं, डीजल की कहानी ऐसी ही है। डीजल का उत्पादन खर्च भी 8 रुपए लीटर ही है और उस पर 30 रुपए लीटर का टैक्स है। और ये जो केरोसिन ऑयल होता है, मिट्टी का तेल जिसको आप कहते हैं, इसका कहानी भी यही है, 8 रुपए लीटर में यही बनता है। और अगर वो 15 रुपए लीटर बिक रहा है तो उस पर 100% के आसपास टैक्स है। तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और एलपीजी गैस जो आप इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर रसोई गैस का, उसका भी यही कहानी है। तो हम जो भी कुछ पेट्रोलियम पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लगभग 500% टैक्स सरकार को दे रहे हैं। ये टैक्स हर साल सरकार हमसे ले रही है और क्या बोल रही है कि इस टैक्स से भारत का विकास करेंगे। और हम 58 साल से यही सुन रहे हैं। पंडित नेहरू ने जब ये टैक्स लेने शुरू किए थे तब उन्होंने पहला भाषण लोकसभा पे दिया था, लोकसभा के अंदर दिया था, और फिर भारत के लाल किले की दीवार पे खड़े होकर बोला था कि मैं भारतीय नागरिकों से अपील करता हूं कि वो ईमानदारी से टैक्स भरें तो हमारे पास टैक्स का पैसा आए तो हम देश का विकास करें। तो हम तो अंग्रेजों को भी ईमानदारी से टैक्स भरते थे और अंग्रेजों के बाद इन काले अंग्रेजों को भी ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं, लेकिन देश के विकास का क्या। मैंने आपको डीजल पेट्रोल का एक कहानी सुनाया टैक्स का, आपको अंदाजा लगा कि आप बाजार से कुछ भी खरीदो उसमें आपको टैक्स भरना पड़ता है। उदाहरण के लिए आप अपना घर बनाओ, घर बनाने के लिए आपको ईंट लगेगी, सीमेंट लगेगा, लोहा लगेगा, बालू लगेगी, और इन सबको खरीदने में टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा? अगर सीमेंट का एक पैकेट आप खरीदें तो इस समय लगभग 120-125 रुपए का मिलता होगा 50 किलो सीमेंट, लेकिन वो फैक्ट्री में बनता है मात्र 60 रुपए का। सीमेंट पर 100% टैक्स लगता है। सीमेंट का पैकेट 60 रुपए में बनता है और 120 में बिकता है, लगभग 60 रुपए टैक्स में जाता है। लोहा खरीदते हैं आप बाजार से 30 रुपए किलो, लोहे का उत्पादन खर्च है 12 रुपए किलो और उस पर टैक्स लगता है लगभग 18 रुपए किलो। फिर आप ईंट खरीदते हैं, एक ईंट आपको मिलती है 2.25-2 रुपए 3 रुपए की, उसका खर्चा आता है 80 पैसे, बाकी सब कुछ उस पर टैक्स है। और सीमेंट में मिलाने के लिए जो बालू आप खरीदते हैं वो तो सब फोकट में ही बनती है क्योंकि उसको बनाने का खर्चा ही नहीं लगता, वो तो बारिश के पानी में नदियों में बह बह के पहाड़ों से आती है, एकदम फोकट में लगती है। लेकिन हमारे भारत के ये हरामखोर काले अंग्रेज उस बालू पर भी टैक्स लगाते हैं, उस पर भी आपको टैक्स भरना पड़ता है।
अगर आप बोलंगीर में 10 लाख रुपए का आपका घर बनाए तो मैं कैलकुलेशन से बता सकता हूं कि कम से कम 6 लाख रुपए आपको टैक्स में देना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का घर बनाओ तो 6 लाख रुपए टैक्स भरो। सीमेंट पे भर दिया, ईंट पे भर दिया, बालू पे भर दिया, लोहे पे भर दिया, रेती पे भर दिया, गिट्टी पे भर दिया, सब पर टैक्स दे दिया। अब घर बनकर तैयार हुआ तो उसमें आप इलेक्ट्रिक वायरिंग करो तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, बल्ब और ट्यूबलाइट लगाओ वो खरीदो तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। और घर बनके तैयार हुआ, आपने रहना शुरू कर दिया तो अब परमानेंट आपको हाउस टैक्स अलग से देना पड़ेगा। माने घर बना के रहना कोई बड़ा भारी अपराध हो गया कि हमको हाउस टैक्स भी भरना पड़े। घर बनाओ उसमें टैक्स भरो, और बना के तैयार हो गया तो जिंदगी भर उसमें टैक्स देते रहो।